नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। मंगलवार की सुबह 3 अलग अलग घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली घटना निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर ओसीपी का है, जहां अवैध उत्खनन के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग के अभी भी दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी घटना पांचेत ओपी क्षेत्र के बसंती माता कलियारी के सी पैच के समीप का है, जहां 3 महिला की मौत हो गई, जबकि तीसरी घटना निरसा थाना क्षेत्र के कपासरा ओसीपी के समीप का है, जहां चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 की घायल हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद से ही पूरे निरसा क्षेत्रों में हड़कंप सा मच गया है। वहीं कोयला चोरों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इन दिनों निरसा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे अवैध उत्खनन के मुहाने खुले हुए हैं, जहां कई लोगों को अपने आहोश में ले सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दिनों निरसा क्षेत्रों में कोयला चोरी चरम पर है। अवैध कोयला कारोबारियों मालामाल हो रहे हैं, जबकि गरीब तबके के मजदूरी के रोटी के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इसके संबंधित मामलों में निरसा SDPO ने कहा कि तमाम थाना प्रभारी से बात की है और जिन जिन थाना क्षेत्रों की घटना है वहां जाकर वास्तविकता का पता करने को कहा है। उन्होंने इसे कहा है कि अभी तक हम लोगों को लिखित शिकायत नहीं मिली है, मिलते ही इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने सभी ECL से बात की है, उनके तथा निरसा CO के आने के बाद हम लोगों ने निरीक्षण करेंगे। अभी हम लोग को भी सूचना मिला है, गोपीनाथपुर में ओपन कास्ट माइंस है और वहाँ पर चाल धंसने की सूचना मिली, और ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से वहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि 7-8 लोग दबे होने की या तो घायल होने की वहाँ पर सूचना मिली है। तो उस संबंध में हम लोग शॉर्ट टाइम में मीटिंग भी अभी बुलाई, ECL के सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाए थे, क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में है, और महाप्रबंधक से पत्राचार हम लोग किए हैं। साथ ही वहाँ पर जब तक पूरा हटाया नहीं जाएगा तब तक कहना मुश्किल है कि उस घटना में कोई हताहत हुए हैं अथवा नहीं है। तो उसको हम लोग प्रारंभिक सूचना का सत्यापन करने के लिए अभी जा रहे हैं। CO साहब से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, वो भी हम लोग का ज्वाइंट टीम में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसका वास्तविकता क्या है। और अन्य जगहों पर जो भी सूचना मिली है सबका सत्यापन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास कोई भी हताहत होने का व्यक्ति का पारिवारिक या तो कोई लोग सूचना नहीं दिए हैं कि हमारे घर के लोग के साथ कुछ घटना हुई है। सभी बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जैसे उसमें सत्यापन होगा फिर आप लोगों को फर्दर उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। भर रहे हैं और आज भी ECL वाला को उसी संबंध में हम लोग बुलाए थे। पूर्व से निर्धारित था मीटिंग हम लोग का कि कैसे कोऑर्डिनेशन बना के कि उसको अविलंब जो भी जगह है अपने जगह से सत्यापन करे सूचना का कि कहाँ पर अवैध रूप से लोग उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। आज ज्वाइंट बैठक भी सभी थाना प्रभारियों से उनका हम लोगों ने कराया है कि आप लोग सामूहिक रूप से जाकर स्थल निरीक्षण कीजिए कि कहाँ पर इस तरह का उत्खनन का कार्य होता है और अविलंब उसको भराई करने और जो लोग उसमें शामिल हैं उसको चिन्हित करने के लिए काम करने का सबको निर्देशन दिया गया है। और साथ ही साथ जितने भी सर्किल इंस्पेक्टर हैं और हमारे खुद के द्वारा भी स्थल का जांच किया जा रहा है और इसे पिछले माह भी हम लोग काफ़ी जगह पर भरवाए हैं। हर एक थाना क्षेत्र में जहां भी सूचना मिला हम लोग उसको भरवाए हैं। फिर अभी 26 जनवरी में सब विधि व्यवस्था और बाकी चीज़ों में व्यस्त होने के कारण संभवतः कहीं पर कुछ लोग खोदे होंगे तो उसको हम तुरंत में हम लोग उसको छानबीन कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं और उसको विलम्ब भरा के बंद कराने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।